ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। सारे पत्रकार साथियों का स्वागत हैगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे पंजाब दे साडे अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब अपनी गल नू रखणगे। मेरा तुहाडे सारयां नाल निवेदन है, सिद्धू जी अपनी गल जदों रख लैणगे तुहाडे सारयां दे सवालां दा स्वागत हैगा। पर मेरा हाथ जोड़कर निवेदन हैगा कि जिदा भी सवाल होए हाथ खड़ा करना, सब नू मौका मिलेगा। कोई एवजा नहीं कह सकता कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिता गया। लेकिन एक होर निवेदन है, एक पत्रकार साथी इको सवाल करे ताकि दूसरों भी मौका मिले। तीसरा हाथ जोड़ के निवेदन कि एक सवाल नू बारी बारी दोहराया ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करनी हूं नवजोत सिंह सिद्धू साहब, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष। प्यारे दोस्तों, The office of the Prime Minister is an institution. Millions of Punjabis have lost their lives to protect it. Every Punjabi worker of the Congress party will fight till their last breath to protect our nation. ते जे मैं ऐसे गल नू हिंदी च दोहराना चाहूं, क्योंकि मैं जानदा ये नेशनल मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईपी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं? हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला
बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल डेढ़ साल दिल्ली की ब्रूहों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए, वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया, और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलनजीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है ये सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी एक डेढ़ महीना पंजाब में माहौल खराब करके पंजाबी तो कहते हैं इन्हों के पल्ले कख नहीं है, गंद पाना है, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स, मैं आपको यह बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, चार दिनों का किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई, किने इत्थे अनइंप्लॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी उहदे बारे गल की है। ए, बस एक रट्टा जा ला के ये सिक्योरिटी का, तो वह जहा तोते रखे हुए हैं दो तीन। सब तो वड्डा तोता तो साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नू भी गुट्टी ला रखी है, उन्हूं थोड़ी जी चूरी पैंदी है दिल्ली ऐ टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। ऐसे कई तोते रख रखे उन्होंने, कदे पंजाब दे मुद्दियां दी गल कीती है, पंजाब दे मसले सुलझाण दी गल कीती है। मैनू कोई जवाब दे दे इस गल दा
कोई जवाब दे दे मैनू इस गल दा के भाई 70,000 कुर्सी दे उत्ते 500 बंदे बैठना एक ही दर्शाउंदा है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर। इन्हां दी फूक निकल गई है, इन्हां दा पर्दा फाश हो गया, सारी दुनिया नूं पता लग गया। हुण ते जिहड़ा इह माहौल जिहा बणाउंदे सी ना जी, फलाना छड के जाऊगा जी, फलाना छड के जाऊगा जी, पोलिटिकल बंदियां नूं पता लग गया भी मौत दे खूह च छाल मार देंगे, इन्हां वल ना जाइए। इट इज वेरी क्लियर दैट दे हैव नो सपोर्ट व्हाटसएवर इन दिस स्टेट विच इज ब्रेड ऑन पंजाबियत। मैं होर बहुत गल्लां करनिया ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल, तुसी अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां करां। कांग्रेस का देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर, भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किसके? भाजपा के। कितने? 300 से ऊपर। प्रदर्शन कौन सी संसद में? जिस संसद में उनकी सरकार है। सवाल उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो, जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो, डरा हुआ हो, तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब, पंजाबियत, पंजाबी, पंजाब की सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो जांच कमेटियां बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने उदे ते रोक लांदे होया एस दी जांच दा फैसला जड़ा हैगा पंजाब तो बाहर नहीं, पंजाब दे अंदर ही भटिंडा सेशन कोर्ट दे जज दे अधीन होएगा। ए जीत है पंजाब दी कि पंजाब विच अगर कुछ बदनाम करने दी कोशिश कीती गई है ते फैसला जड़ा हैगा अंदर होएगा। फिर दोहराने आ मांगा, मुद्दे की सी? अगर कोई साडा आंदोलनकारी किसान सड़का ते सी वी हक सी, प्रधानमंत्री आ रहा है, मिलना चाहता है, लोकतंत्र है, गल करना चाहता है, मुद्दा की सी? अज भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी दी बर्खास्ती मांग रहा है, जो दोषी करार एसआईटी रिपोर्ट होए, उन्हों दा बेटा आशीष मिश्र जेल च है, दोषी करार साबित होया दी बंदूक दी गोली तो मरे, साबित होया कि अजय मिश्र दा बर्खास्ती नहीं हो रही, एम मांग सी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून दी मांग है, कमेटी बनाने दी गल हुई, कमेटी नहीं बनाई गई। मंत्री कहंदे ने असीं ते एक कदम पिछे हटे हां, ए कानून वापस थोपिया जाएगा, ए तुहाडे से लैके आया सी। कहंदे ने इतिहास सेच पहली बार प्रधानमंत्री, किसी प्रधानमंत्री नु जान दा खतरा होया और हमला होया है का। कटिंग है कि 9 जून 2018 दी गाजियाबाद एसपी टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्वॉय इन नोएडा। नोएडा किथे? उत्तर प्रदेश। किदी सरकार है? भाजपा दी सरकार है, योगी आदित्यनाथ दी सरकार है। 2 घंटे प्रधानमंत्री दा काफिला फसे आ रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नोएडा तो जिंदा बच के आ गया। उत्तर प्रदेश दा मुख्यमंत्री मनु मारना चाहता सी, कहा सी उस समय प्रोब तो उत्थे भी हुई सी, सुरक्षा ब्रीच तो उत्थे भी होया सी, लेकिन पंजाब नु बदनाम करन लई कह गए मैं भटिंडा तो जिंदा जा रहा हूं। ए सच्चाइया ने ए होर देखो, ए 15/9/18 प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा दा हैंडल है ट्विटर,
वेरीफाइड, प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हो, बिना किसी मतलब अपनी मर्जी हो तो सब ठीक है, वरना को जी मन तो मैं जिंदा बच के आ गया हूं। इस तो पहला दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे विच सिरे सिरे मत्था टेकन गए, दिल्ली पुलिस नु विश्वास विच नहीं लिता, खबर नहीं कीती। सच्चाई सब दे सामने, हकीकत है वे कि जिस रैली नु एड्रेस करन उन्होंने जाना सी, कुर्सियां खाली सी, फ्लॉप शो सी। गलत यार, एदे तो ध्यान पटकान लई तुहानू लगदा है अगर इत्थे पहुंच जांदे ते खाली कुर्सियां नु कर दे, मीडिया की छवि बंदी देश दे प्रधानमंत्री दी कि खाली कुर्सियां नु संबोधित करके गए, बचना सी इत्थे पहुंचन लई, बचन वास्ते षड्यंत्र रचे गए, रचो षड्यंत्र, पहले भी रचे, लेकिन पंजाब नु बदनाम करन लई जिहड़ी कोशिश है कामयाब नहीं होंदा गे। एनु तुसी पकड़ो जी, ए भी पकड़ लो सरदार मनमोहन सिंह जी, इस बार ना जी, ए सरदार मनमोहन सिंह जी है साडे प्रधानमंत्री जी दी गल दा जवाब दे रहे हां। भटिंडा तो जिंदा बच के गए, चन्नी जी नु धन्यवाद कर देना। ए साडा ओ किसान है जिहड़ा उत्ते हैगा, शहीद हो गया 700 दिल्ली दी दहलीज विच, हुण ओ कह रहा है अपने पीएम को धन्यवाद कहना कि हम अपने घर तक जिंदा नहीं लौट पाए। ए 700 किसान, ए 700 किसान कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी नु धन्यवाद लैण दा बहुत शौक हैगा। असि धन्यवाद मोदी जी, असि ते जिंदा कर नहीं लौट पाए, तुहाडी दहलीज ते सानू किले बंदी करके रोकिया रखिया, शहीद हो गए, हिंसा नहीं कीती, जिन्होंने उत्थे हिंसा नहीं कीती खुद शहीद हो गए, वो इत्थे किसी का की बाल बाका करेंगे। हकीकत है कि प्रधानमंत्री जी दे शीशा भी थल्ले नहीं कीता होगा, पंजाब की हवावां दे चोखे भी उन्होंने छू नहीं पाए, एक तूल का कण उन्होंने तूल का कहते ना एक छोटा जा कण भी उन्होंने अख च नहीं पिया होगा, एक कंकड़ भी नहीं लग्या उन्होंने, और पूरा पंजाब नु बदनाम करके सिद्धू जी ने सही कहा दूसरे राज्यों के विच चुनावी लाभ लई सारी पंजाब नु बदनाम, क्योंकि इत्थे बदनामी कीती क्योंकि अस्तित्व पंजाब विच भाजपा अपना पूरी तरह खो चुकी हैगी, और इस वास्ते ऐ कीता गया हैगा। सानू खुशी है सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा फैसला होया उहदा स्वागत करने आ, ऐ जांच होएगी, दुध दा दुध पानी दा पानी होएगा, और ऐ जिहड़ा षड्यंत्र राजनीतिक ड्रामेबाजी कीती गई मुद्दे तो पटकान वास्ते, सिद्धू जी ने बहुत किया पंजाब के मुद्दे, बहुत वड्डे वड्डे मुद्दे जिथे चर्चा चल रही सी मुद्दे उत्ते उत्ते तो पटका के पूरे पंजाब नू पूरे देश नू राष्ट्रपति भवन तो लैके सुप्रीम कोर्ट तो लैके पूरी संसद नू लैके जड़ा हैगा अज उन्होंने केंद्री लैके अपने आप नू लिया है। डेढ़ साल किसान दिल्ली दियां बरूहां ते सी, प्रधानमंत्री जी कदे एक दिन एक मिनट मिल के आए, एक सकेंट मिले, ते जे कल भी उतर जांदे ना और अगे चले जांदे तो उन्होंने ये पता लग जांदा कि कोई विरोध तो कर सकता है, लेकिन किसी की भी मंशा तिल मात्र का नुकसान करन दी नहीं है। असी पंजाबी च बन्ने आ, पंजाब नू ढाल मन्या जांदा देश की, इस करके ये तौंबता लानियां बंद करो, ये गंदी राजनीति खेडनी बंद करो, ये अपने सड़े गले मनसूबे राजनीति दे जड़े मुद्दा वहीन मनसूबे पल्ले थोड़े कुछ है नहीं, ना वोट है ना सपोर्ट है, बैकडोर एंट्रियां भाल दे गलत तरीके दे नाल पंजाबियों नू बदनाम करन दा प्रयास है। You will get a befitting reply over here, and all those who are talking about president's rule are your parrots. Parrots. Tote ne tote. Churi chhadde ho Dilliyon. Te naal di naal kehnde hai president rule, president rule. Kyunki palle ni na bahar niklan nu thaan ni seatan tin ni aundiyan. Samajhde ho? ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਫੇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ,
पहला भी खड़े सी, अज भी खड़े हैं। और पंजाब दे हालात बिल्कुल कोई खराब नहीं। ये पंजाब दे हालात इलेक्शन दे नेड़े आके ही क्यों खराब करने की कोशिश की जाती है भाई? ये जो महीना डेढ़ महीना रह जाता उदों ही क्यों माहौल खराब होता है? उदों ही क्यों 100 मन दुध दे विच खट्टा पाउण दा प्रयास होता है? पौने 5 साल सब कुछ ठीक रहता, फिर बंब मिल गया जी, फिर फलाना मिल गया जी, धमकाना मिल गया जी। ऑल दिस इज नॉनसेंस। थैंक यू वेरी मच। मैं एक सेकेंड एक पॉइंट होर रखना चाहते हैं। असि क्यों कह रहे हैं, एक राजनीति ड्रामेबाजी, राजनीति लाभ लैन वास्ते दूसरे राज्यों विच लाभ लैन वास्ते रची गई, इहदा सबूत दे रहे हैं। देश दे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी चुनावी जनसभा दे विच बिना मौका गवाए, बिना समय गवाए इस मुद्दे नूं रखदे ने और कहंदे ने कि पंजाब विच प्रधानमंत्री जी नाल ऐ होया है, उन्हां दी हत्या, उन्हां नूं मारन दी, उन्हां दे उपर अटैक दी कोशिश होई, बच के आ गए। तो जद देश दा रक्षा मंत्री संवैधानिक पद दी जिम्मेदारियां छोड़कर भाजपा जनसभावां विच मुद्दे नूं दूसरे राज्य च उठान लग जाए और वोट मंगन लग जाए, तो साबित हो जाता है कि यह पूरी राजनीतिक लाभ वास्ते रची गई राजनीतिक ड्रामेबाजी है और यह इन्हां दे भाजपा दे नेतावां दे राजनीतिक मंचा तो यह गल नूं रखे जाना शुरू हो चुका है। अगर यह गंभीर मामला है, राजनीति अगर नहीं होनी चाहिए, तो असी उम्मीद पैदा करने आ सरकार ते बैठे हुए नेतावां कोल संवैधानिक पद ते बैठे कि सब तो पहला फिर तुसी राजनीति बंद करो। मुद्दा गंभीर है, गंभीरता नाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और यदी कार्रवाई होनी चाहिए है, लेकिन राजनीति है, सबूत रखता है खुद उन्होंने। हाँ जी प्लीज, एक सेकंड, आ रहे आ रहे। हाँ जी, हाँ जी, जनता को पता सी कि पॉलिटिकल ले पंजाब आ रहे हैं बीजेपी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, पॉलिटिकल मिसचीफ इन दे माइंड विच हो सकता है कि सानू इन दी पॉलिटिकल मिसचीफ पहला सही नहीं आई, असि कोई प्रिवेंटिव स्टेप ले लेंदे भई ये करन आ रहे ने ऐसा नहीं कुछ कर। भाई प्रिवेंटिव स्टेप असी की लेना सीगा, रैली च बंदे उन्होंने इकट्ठे करने सी, कैसी करने सी रैली उन्हां दी सी कि साडी सी? जदों रैली दे विच बंदा ही कोई नहीं आया ते प्रिवेंटिव स्टेप ते उन्होंने लिता। नहीं नहीं, रूट का इशू तो ता ही बनया। प्रधानमंत्री, एक मिनट जी मैं जवाब देना, खड़ गया। जदों प्रधानमंत्री एक रैली नूं एड्रेस करन जा रहे हैं ते ग्राउंड दे उत्ते बाय रोड उन्हां दा कोई ट्रैवल ही नहीं है, सानूं दस्या ही नहीं होया, ते उस रैली दे विच 70,000 कुर्सी दे अगे 500 बंदे बैठे है, ते प्रधानमंत्री की करूं? कदे देखिया इस देश दे इतिहास दे विच कदे देखिया कि प्रधानमंत्री जाके 70,000 कुर्सी दे अगे खड़ जांदा ते कख ना रहिंदा, बिल्कुल ही जीरो हो जांदा। हुण एटलीस्ट मुद्दा मोड़ दिओ, मुद्दा मोड़ दिओ, बहाना बना दिओ और सिक्योरिटी इशू बना दिओ। भाई ये कितों बन गया सिक्योरिटी इशू? सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ प्रिवेंटिव इशू दैट वी हैड टू टेक। तुसी ये देखो कि किन्ने क बंदे जुड़े हुए ने प्रधानमंत्री सुरक्षा नाल, पहला तुसी इस गल का जवाब दे दो, किन्ने क बंदे जुड़े हुए ने? 10,000 10,000 पीपल आर कनैक्टेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर साहब। उहदे च BSF है, उहदे च IB है, उहदे च SPG है, वह सुनदे कहे दी? उन्होंने कोई प्रिवेंटिव देने की लोड़ है? IB दे विल नो इमीजिएटली। वह तो मैं कहना किसी को खंगन नहीं देंगे, किसी को लागे नहीं लगन देंगे। यदा मतलब बचन की कोशिश है, यदा मतलब ये उस ह्यूमीलीएशन तो, उस इंसल्ट तो और उस बदनामी तो भजन का प्रयास है। आप पूछिए सिद्धू साहब, एक मेरी बात जो अल्टर मूड प्लान जो है 2 दिन पहले बिल्कुल कीता और IG लॉ एंड ऑर्डर ने दिता, बिल्कुल नहीं, भाई मौसम खराब सी, मना करती चीफ मिनिस्टर ने, ऑन रिकॉर्ड क्या है कि यह जहा कुछ नहीं सी। मैं कह रहा ना बिल्कुल नहीं सी। बठिंडा कोर्ट दी जांच चाहेगा ना भाई, जदों बठिंडा कोर्ट ने हुण करती ओदी जांच चाहेगा ना। धन्यवाद, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, एक सेकंड अगर अपना सवाल करिए। बीजेपी ने बोला है कि रैली में बीच में नहीं जुटे क्योंकि उनकी बसों को रोकोगे, 3500 के करीब जो बसें थी उनको रोकोगे, वीडियोस भी कल उन्होंने दिखाई। वाह 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 वाह। मुझे एक बात बताएं मैडम, 70,000 कुर्सी लगी हो
समझे नहीं, 70,000 कुर्सी लगी हो और 500 बंदे आए और उसका आप इल्जाम हमारे ऊपर लगाएं, ये क्या मतलब? आपको लगता है कि बीजेपी रूल स्टेट्स में हमारी रैलियां नहीं होती? Next. क्या है मतलब ये तो मतलब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कमजोरियां देखो, वो तो तुम हो ना, तुम पूछो। मैं कहना तुसी हो ना तो पूछो, मेरे जरूरी तो नहीं भी मेरे अपने जड़े ने वो मेरी बोली बोल दे। नेक्स्ट, हां जी, नेक्स्ट, एक सेकंड। गवर्नर रूरल जा नहीं रहा, भेजा जा रहा है अपनी जान बचान नू, अपनी जमीन बचान नू। इत्थे ना वोट है ना सपोर्ट है, इस करके दूसरे राज्यां च वोटां हासिल करने लिए सिक्योरिटी इशू बना दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने चार वोटा नहीं पैदा ने इनकम डबल करने क्या सी, ओ नहीं कीता। 700 किसान शहीद हो गए किसी एक दी खबर ली है, अपनी 15 मिनट रुक गए तो बड़ी सिक्योरिटी पै गई, तो लखां किसान एक साल उत्थे बैठा सी उदों की सी, मतलब हर चीज अपने एंगल नाल ही दिखती है। उन्होंने सिक्योरिटी का इशू बना के अतवादी कहा, आतंकवादी, मवाली है जी, खालिस्तानी, जो तुम्हारे साथ है वही देशभक्त है। अब देश के अन्नदाता को जलील करोगे? जी एक ऐसा ही हादसा राजीव गांधी जी के भी साथ हुआ था, परिणाम बहुत खौफनाक निकले थे। वो जो एसपीजी नहीं सी, एसपीजी उस तो बाद आई है, राजीव गांधी जी की हत्या तो बाद। हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को खोया है, उसके बाद एसपीजी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पंजाब पुलिस या किसी राज्य की पुलिस नहीं, एसपीजी के अधीन है, आपको पता है, और एसपीजी गृह मंत्रालय। एक सेकंड, अगला, एक सेकंड, आपके आप मैडम, एक मिनट पाजी, मैं तुहाडी गल दा जवाब दे रहा। मैं पहला भी कह चुके हां, 10,000 आदमी पीएम दी सिक्योरिटी नाल अटैच्ड, they are responsible, you they cannot run away। गृह मंत्रालय आप जवाब दवे। बिल्कुल, मैं कहना गृह मंत्रालय अगर सानू कोई अक्यूज करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कितना बच सकता है? हाउ कैन आई बी, हाउ कैन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नु तो 50 किलोमीटर का रास्ता देता। प्रोग्राम नहीं सी, गलत गलत, नेक्स्ट, गलत गलत गलत। एक सेकंड, अच्छा पूछिए पूछिए पूछिए, एक सेकंड, नहीं एक भाई मेरी एक गल सुनो, अगर सियासत तो प्रेरित है तो मैं एक गल दस, कि 70,000 कुर्सी से 500 बंदा बैठा सी, वो सियासत सी? वो साड़ी सियासत तोड़ना सी? थोड़ा नाकामी है थोड़ी, इट इज अ फेलियर। नेक्स्ट सवाल जी, जवाब देता उन्होंने, मैं देता जवाब, इट इज अ फेलियर ऑफ द बीजेपी, इट इज अ फेलियर ऑफ योर पॉलिटिकल।